हमें खरोंच भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ई एस्टेरॉइड का सरफेस मैन एस्टेरॉइड के पिछले हिस्से में एक बड़ा छेद है और ये छेद एस्टेरॉइड के बीचों बीच अंदर कर देता है। एक वीकेस्ट पॉइंट एक सेंटर। अगर हम इस छेद में न्यूक्लियर मिसाइल से ब्लास्ट करते हैं तो दो हिस्सा में बट के धरती की कक्षा से अलग चला जाए। यह है धरती की सेफ्टी लाइन। सेफ्टी लाइन क्रॉस करने से पहले एस्टेरॉइड को ब्लास्ट करता हूँ ताकि ये धरती की ग्रेविटी जोन में आ ही नहीं। अगर एस्टेरॉइड ने सेफ्टी लाइन को पार कर लिया तो उनका ब्लास्ट करने से कोई फायदा नहीं क्योंकि धरती तो उनका शिकार हो ही जाएगी। एस्टेरॉइड अगले छह दिन में सेफ्टी लाइन तक पहुंच जाएगा। मीडिया की नजर में आए बिना क्या मुमकिन है कि हम एक रॉकेट को लॉन्च करके एस्टेरॉइड को ब्लास्ट कर सकें? मुमकिन है जी। सैटेलाइट मेंटेनेंस प्रोग्राम की आड़ में हम लोग रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं। रॉकेट लॉन्च होने का न्यूज आजकल बहुत कॉमन हो गया है जी। लास्ट वाली बात से पूरी तरह सहमत है लेकिन एक प्रॉब्लम है। इतना बड़ा और पावरफुल मिसाइल इंडिया लॉन्च नहीं कर सकता, नहीं कोनो और देश। अगर दोनों देश ने ऐसा किया तो ये यूनाइटेड नेशन पीस ट्रीटी के खिलाफ होगा। दोनों भी देश सैटेलाइट मेंटेनेंस के नाम पर 20 किलो टन से ज्यादा न्यूक्लियर फ्यूल का इस्तेमाल नहीं कर सकता और ऐसे में एस्टेरॉइड को ब्लास्ट करने के लिए कम से कम 200 किलो न्यूक्लियर फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। जी कुछ ऐसे भी देश हैं जिन्होंने छुपके ब्लैक मार्केट से न्यूक्लियर हथियार खरीदे हैं तो क्या हम ऐसी परिस्थिति में उनका इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आतंकवादी के जैसे हमें भी न्यूक्लियर वेपन छुपकर खरीदना पड़ेगा। सोचने के लिए हमें कुछ वक्त चाहिए। इस मीटिंग के जरिए वो मिसाइल के 5 मिलियन हम आपको भेजते हैं। पूरे के बाद आपको सब पता चल जाएगा।